शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु हवम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर। नमस्कार, आज हम हैं दद्दा धाम में, जहां दद्दा जी हमारे साथ भौतिक रूप में तो नहीं है, लेकिन आज भी उनकी मौजूदगी का एहसास आज इस दद्दा धाम में हो रहा है। आज उनके लिए मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हुआ है। गुरु माता और दद्दा जी के हजारों भक्त यहाँ आज पहुँचे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे दद्दा स्वयं सब कहीं से बैठ के संचालित कर रहे हों। ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि दद्दा नहीं है। हमको तो बिल्कुल महसूस नहीं होता कि दद्दा नहीं है। शरीर चले जाने से संत नहीं जाते, ईश्वर नहीं जाते। ईश्वर तो सर्वस्थ होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, और दद्दा तो हैं। हम नहीं मानते कि दद्दा नहीं है। देखिए, आज परम पूज्य गुरुदेव के मंदिर का भूमि पूजन समस्त आचार्यगणों ने, शास्त्रियों ने, ज्योतिषाचार्यों ने बैठ के शुभ मुहूर्त निकाला था कि 11:30 से 12 के बीच का शुभ मुहूर्त था। इस पूरे वर्ष का सबसे शुभ मुहूर्त आज भूमि पूजन का आज का ही दिन था। तो परम पूज्य गुरुदेव का ऐसा हम लोगों को सलाह थी, आदेश था, निर्देश था कि गुरु माता के बगल में ही उनको स्थान दिया जाए। तो दद्दा जी की धर्म पत्नी जो थी, हम लोग की जो गुरु माता थी, उनका स्थान यहाँ पर बन रहा है, मंदिर उनका स्मारक बन रही थी। तो उसी के बगल में जब दद्दा से बात हुई तो दद्दा अपने मन से स्वतः बोले कि बेटा, जब भी ऐसा कुछ हो तो हमारे जो संस्कार भी हो गुरु माता के बगल में हो। तो समाधि स्थल भी आपने देखा होगा, आज जाके समाधि में भी दोनों अगल बगल ही उनका अंतिम संस्कार वगैरह हुए थे। और यहाँ पे जहाँ गुरु माता की स्मारक बन रही है उसके बगल में दद्दा का ऐसा था कि हमको भी स्थान यहाँ पे ही दिया जाए। ऐसे मन के भाव थे। एक बार आशुतोष राणा जी, मैं और दद्दा जी के बड़े सुपुत्र, मंझले सुपुत्र, छोटे सुपुत्र और साथ में 7-8 और वरिष्ठ गुरु भाई बैठे थे। काफ़ी देर रात की बात हो गई है कि दद्दा से जब पूछा कि दद्दा, आप तो हमेशा जाने जाने की बातें कर रहे हैं, आप चले जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा? बोले, बेटा हमको जिद जी के बाजू में स्थान दे देना, और जब भी कभी को तुम लोगों के मन में कोई व्यथा हो, कोई प्रश्न हो, कहीं ऐसी परेशानी में फंस जाओ तो मेरे स्थान पे आकर मुझसे जो बोलोगे तुमको कहीं ना कहीं से उसका उत्तर मिल जाएगा। तो दद्दा की इच्छा थी कि उनको गुरु माता के बगल में स्थान दिया जाए, इसलिए आज यहाँ पर वृद्धाश्रम के सामने, मंदिर के बगल में, यज्ञशाला के बीच में आज परम पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी का भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण की प्रथम शिला रखी गई है। अभी जो राजस्थान के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरा पत्थरों से, जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उन्हीं पत्थरों से यहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव का, राम मंदिर से तो बहुत ही बड़ा आयोजन है उनका, तो बहुत ही बड़ा निर्माण है, लेकिन उसका छोटा रूप यहाँ पर वही लोग बना रहे हैं। उन्होंने 11 माह का समय लिया है, लेकिन 11 माह उनका तब होगा जब इसकी प्लिंथ पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। अभी ड्राइंग डिज़ाइन सब तैयार है और आज भूमि पूजन हो गया, यथाशीघ्र बेस का काम चालू होगा, उसके बाद 11 महीने के अंदर मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। हम उनके जो बड़े पुत्र हैं अनिल भैया से कुछ इस पर चर्चा करेंगे, क्या क्या आज यहाँ कार्यक्रम था, कैसा था। अनिल भैया, सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे क्या क्या आज यहाँ कार्यक्रम थे और कितने लोग पधारे। देखिए, दद्दा जी तो संत थे और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश दद्दा जी को जानता था, और एकमात्र दद्दा जी ऐसे संत थे जिन्होंने राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण, समाज कल्याण और व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए एक अनुष्ठान चलाया था, पार्थिव शिवलिंग निर्माण का। और आज जो है ये कटनी जो नगर है या धन्य हुआ है, जहाँ परम पूज्य दद्दा ब्रह्मलीन हुए थे, आज उनके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज यहाँ पर मंदिर का शिलान्यास हुआ है। और मैं बता दूँ कि देश के कोने कोने से यहाँ पर भक्त जो हैं यहाँ पर आज भूमि पूजन के आयोजन में यहाँ पर पधारे थे, और संपूर्ण कटनी दद्दा शिष्य परिवार ने जो है यहाँ पर अपने स्तर से पूरी व्यवस्थाएँ की थी। और शिवलिंग निर्माण प्रारंभ हुआ, यहाँ पर भजनों का शानदार आनंद होता रहा, और उसके बाद प्रसादी की व्यवस्था हुई, और सब जो है परम पूज्य दद्दा और उनकी समाधि पूज्य गुरु माता के दर्शन करके और सकुशल अपने परिवार के साथ घर पहुँचे, यही कामना के साथ में।
जी भैया, विश्व भर में दद्दा जी के शिष्य हैं, आप दद्दा जी भौतिक रूप में नहीं, क्या उनके संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भौतिक के रूप में नहीं है, लेकिन जो आध्यात्मिक होता है, एक अनुभूति जो जीवन में होती है, जो कृपा की अनुभूति होती है, वो तो साधारण दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, लेकिन आत्मा की जो दिव्य दृष्टि होती है उससे हम लोग ये अनुभव, यहाँ आज भी हम लोग यहाँ खड़े हैं, समाधि में खड़े हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि परम पूज्य दद्दा हम लोगों के बीच नहीं है। इतना कार्यक्रम चला, ऐसा लगता दद्दा जैसे कहीं अंदर कमरे में बैठे हों, अनुभूति नहीं होती है। और यही एक संत की विशेषता है कि जाने के बाद वो अपनी अनुभूति यहाँ पर भौतिक रूप में नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप में बिखेर दें, यही संतों की कृपा हुआ करती है। ये थे अनिल भैया जी, जो दद्दा जी के बाद अब आश्रम को वही देख रहे हैं, और उन्होंने इस दद्दा जी के बारे में जो जानकारी दी। निश्चित रूप से दद्दा जी का असंघ शिवलिंग निर्माण पूरे भारत सहित विश्व भर में लोकप्रिय था, और जिस तरीके से भगवान शिव की उनके ऊपर कृपा थी, उनके हजारों हजार शिष्य आज उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इस मौके पे हर शिष्य की आंखें नम थी यहाँ पहुंचकर, लेकिन आज भी हर शिष्य का यही कहना था कि दद्दा जी अभी भी ऐसा लगता है यहाँ विद्यमान है, उनकी अनुभूति हो रही है। दद्दा धाम से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु महाकाल, हरि शंकर शंभु जटाजूट, हरि शंकर शंभु, बम बम, शिव शंकर शंभु।